जो मेरा प्रिंसिपल राउंड है वो पे करना, अभी पे नहीं करा, मतलब मेरी लाइबिलिटी और बढ़ गई क्योंकि मैंने इंटरेस्ट नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम शिव चौधरी और आज के दिन हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को शुरू कर रहे हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दैट इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मतलब कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पास उसकी पार्टनरशिप डीड है और उसमें उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि वो कितना चाह रहे कि हम लोग कितना पे करें, मतलब उनकी फर्म कितना आई वेल पे करे 10%, तो फिर हम लोग इसी रेट पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 10% पर एनम वाला रेट। ठीक है, बट इफ़ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि अगर पार्टनरशिप फर्म के पास उसकी पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर उसके पास है बट वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के ट्रीटमेंट के बारे में, तो फिर हम लोग कितना इंटरेस्ट देंगे उसको, वही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला 6% पर एनम वाला। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस कंपल्सरी टू पे, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी चीज चार्ज होती है ना वो हमेशा कैसी होती है, कंपल्सरी। ठीक है, मतलब कि भली फर्म प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, भली फर्म को लॉस हो रहा है या जो भी हो रहा है, बट हम लोगों को वो चीज़ पे करनी ही करनी है जिसके आगे लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और ये चीज़ किस में से पे करेंगे हम लोग, आई ओ एल किस में से पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो कि हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए कैसी है, कंपल्सरी टू पे। ठीक है, और इसको हम लोग किस में से पे करेंगे, मतलब किस में से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इनकी एंट्रीज गिवन है। तो टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को ओपन करेंगे, उसके अकाउंट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या एंट्री जाएगी, इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं तो हम लोग उन्हें क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो वही किया यहाँ पे मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी ये मैं क्या कह रहा हूँ, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं लास्ट में एडजस्टमेंट की तरह निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मैं पे कर रहा हूँ ड्यू हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये मैं नॉर्मली क्या करूँगा, ड्यू करूँगा। ठीक है, तो मैंने अपने पार्टनर लोन को, मतलब पार्टनर्स का लोन अकाउंट, ठीक है, अगर मैंने इंटरेस्ट के नाम का चार्ज करा अपनी बुक के अंदर बट पे नहीं करा उसको, तो उसकी मतलब जो मेरे जो लाइबिलिटी है उसकी मेरे ऊपर वो बढ़ जाएगी ना, और मतलब मेरे को उसको इंटरेस्ट और पे करना, मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करना, अभी पे नहीं करा, मतलब मेरी लाइबिलिटी और बढ़ गई क्योंकि मैंने इंटरेस्ट उसे कैश में पे नहीं करा था इसलिए। ठीक है, तो अभी इस एंट्री या ट्रीटमेंट हम लोग इनके अकाउंट्स में करते हैं। ठीक है, अब मतलब इनके लेजर अकाउंट्स के अंदर, तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या था, हमारा एक्सपेंस डेबिट कर रहे थे, तो ये रही इस अकाउंट की डेबिट साइड, ये रही इस अकाउंट की क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट करा हमने इस तरफ, डेबिट टू पार्टनर्स लोन था, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ये रही इसकी क्रेडिट साइड, ये रही इसकी डेबिट साइड। ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट मतलब टू का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रेडिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, ये गई पार्टनर लोन अकाउंट, यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब यहाँ पे बाय से हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के लोन अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे जो भी होगा। ठीक है, तो ये एंट्री हमने निकाल दी, ये एंट्री किस में जाएगी एक बार देख लेते हैं, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, सेम एंट्री करी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और क्या करा है यहाँ पे, पार्टनर्स लोन अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्रेडिट करा है, क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री के अंदर क्या था, क्रेडिट था। ठीक है, टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और ये रहा उसका क्या, अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, अब देखो, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब कि इंटरेस्ट मैंने पार्टनर के लोन पे चार्ज करा। ठीक है,
अब क्या मैं इसके अमाउंट को अगले साल भी एज अ बैलेंस पे डाउन लेके जाऊंगा? नहीं लेके जाऊंगा ना, मैं तो उसके बस लोन का अमाउंट लेके जाऊंगा और लोन का अमाउंट मैंने उसके अकाउंट में और क्रेडिट करके, मतलब कि इसका नेचर कैसा होता है क्रेडिट होगी, क्योंकि ये क्या मेरी लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड पे और लिख के मैंने इसमें और ऐड कर दिया, तो मेरा इसका बैलेंस बढ़ गया ना, तो यहाँ पर मैं इसका अमाउंट अगले साल लेकर के जाऊंगा, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का नहीं लेके जाऊंगा। अब मुझे इस अकाउंट में क्या करना है, क्लोज क्लोज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नई एंट्री पास कर रहा हूँ। ये मैंने बताया था कि ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, किसमें से राइट ऑफ होगा, किसमें जाके क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये क्या है, इसकी डेबिट साइड, ये क्या है, इसकी क्रेडिट साइड। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये रहा डेबिट कर दिया मैंने इसको, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद एक और एंट्री जाएगी, एक और लेजर अकाउंट के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब इस अकाउंट को क्लोज करना है ना, तो यहाँ पे क्लोज तो करेंगे, यही अमाउंट यहाँ पे मान लो 100 रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 है, ठीक है? अब यहाँ पर लेके आना है हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा था बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट। तो मैंने इसको किया क्या, क्रेडिट करा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वापस से 100 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया, ये अकाउंट कैसा हो गया, क्लोज हो गया। अब अगले साल जो भी यहाँ पे पार्टनर लोन अकाउंट का बैलेंस होगा वो चला जाएगा, ठीक है? तो ये था हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट। एक बार फाइनली रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है? तो पहले क्या होगा, पहली एंट्री हमारी क्या होगी इसमें, हमेशा मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर हम चार्ज कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे इसको हम लोग, खर्चा बढ़ रहा है उसको क्या करते हैं हम, डेबिट टू। अभी मेरे को उसको और पे करना है ना, अपने पार्टनर को, मतलब कि उसके लोन में और अमाउंट ऐड करना होगा, एज अ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना मैं ये साल के लास्ट में, ठीक है? तो टू, क्योंकि मैं इसे पे तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है? ये एक एंट्री हो गई। और सेकेंड एंट्री क्या हो गई यहाँ पर, सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे किसकी, इसके क्लोजर की, ठीक है? तो क्लोज करने के लिए ये यहाँ पे क्या हो रखा है, डेबिट, क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको, क्रेडिट, ठीक है? तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है? तो चार्ज होता है तो किस में जैसे जाके ये राइट ऑफ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जाकर के। तो पहले तो इसको ख़त्म करना है मेरे को, तो टू लिख देता हूँ जैसे कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट लिख दिया, ठीक है? जो भी अमाउंट यहाँ पर, उसके बाद क्या डेबिट करूँगा, राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, जैसे यहाँ पर एंट्री हो रखी है, ठीक है? क्या हो जाएगी यहाँ पे, PNL अकाउंट डेबिट, ठीक है? तो ये थी वो एंट्रीज जो कि हमारी बुक के अंदर गिवन थी TS ग्रेवाल के अंदर। अब जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये एंट्रीज कैसे होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग अकाउंट के अंदर, डिफरेंट अकाउंट के अंदर एंट्रीज पास करेंगे। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं।